स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 9th ICSE में आने वाला, मतलब ये 9th ICSE वालों के लिए भी है, 10th ICSE वालों के लिए ये, मतलब किसी भी क्लास के जो जो नोटिस राइटिंग पढ़ना, ईमेल राइटिंग पढ़ना चाहते हैं उन सब के लिए। तो भाई देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज पहले हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ ईमेल राइटिंग की। फर्स्टली वी विल स्टार्ट। अब देखिए ईमेल राइटिंग है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले हम लोग उसका फॉर्मेट समझते हैं। तो आप देख पाएंगे आगे बढ़ा कर देखें ICSE या ICSE का इनफॉर्मल लेटर का राइटिंग फॉर्मेट है। ओके गाइस, मैं आपको इनफॉर्मल लेटर का राइटिंग फॉर्मेट समझा दूँगा और फॉर्मेट लेटर का एग्जांपल समझा दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको, और होमवर्क है आपका कि आप इनफॉर्मल लेटर का एक लेटर लिख के लाएंगे और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बना के लाएंगे। ओके गाइस, प्लीज़ गाइस अगर आप वर्क कर लें तो उसको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। माई व्हाट्सएप नंबर इज 8934801250। मैं इसको लिख कर देखा तो बता रहा हूँ। तो देखिए गाइस, पहले हम लोग इसमें लिखते क्या है, हम लोग लिखते योर एड्रेस। व्हाट, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है हम लोग का एड्रेस। क्या हम लोग का सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे कि जैसे माने कोई है कारोल बाग 10-1E कारोल बाग में कोई रहता है कहाँ, वो न्यू दिल्ली में है, उसका न्यू दिल्ली का वो लिखना है हम लोग का कोड। जैसे यूपी का कोई कोड होता है, न्यू दिल्ली का कोड होता है, वो लिखेंगे हम लोग उसका। फिर पिन कोड लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे राइटिंग, आप जिस तारीख को लेटर लिख रहे हैं, मतलब द डे विच राइट अ लेटर, तो वो डेट आपको यहाँ डालनी है। आप किसके लिए भेज रहे हैं, आप किसको भेजना चाह रहे हैं, ये आप भेजना चाह रहे हैं डियर राहुल को भेजना चाह रहे हैं। आई होप माई लेटर फाइंड यू गेट, मतलब आप देखिए आप उसमें लिख दीजिए कि आपने मेरा लेटर, आप आई होप ये आप अच्छे होंगे, आपने मेरा लेटर अच्छी है अच्छे तरह से पा लिया होगा। तो सुबह अब आगे देखते हैं, दिस इज अ वेयर राइट, मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पे आपको जो मैं राइटिंग का पार्ट होता है वही आपको, मतलब जो आपने आपसे कहानी बना के लिखना है इसका, तो वो लिखना है। तो फिर मतलब पार्ट 1 में आपको क्या लिखना है, यू कैन राइट इन ब्रीफ अबाउट, मतलब मैं आपको ब्रीफली, मतलब लेटर दो नोटिस लेटर तो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लिख सकते हैं उससे ज़्यादा, कोई कुछ कहेगा नहीं। तो ब्रीफ अबाउट द पर्पज़ ऑफ राइटिंग है सबसे पहले, जो इस पार्ट 1 है उसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब पूरा राइटिंग का पर्पज़ लिख डालेंगे। फिर यू कैन राइट इन डिटेल, अब फिर इसको आप डिटेल में उसका पर्पज़ लिख देंगे। फिर मतलब जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी आप उसको लिख देंगे। उसका क्या करेंगे, आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, मतलब क्या आप बता देंगे, आपका प्यारा आपका प्यारी, तो मतलब विद लव योर अफेक्शनेटली योर फेथफुली योर सिंसियरली। ओके गाइस, तो योर अफेक्शनेटली, और देखिए अब आप आखिरी में आप जो कोई लेटर लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, आप है गाइस लिख दीजिए गाइस, मतलब आप अपना नाम लिख दीजिए, ऋषभ नाम लिख दीजिए। ओके गाइस, अब इसके बाद वाला हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्म। तो देखिए एड्रेस क्या है हम लोग का, एड्रेस डालिए, स्ट्रीट डालिए और सिटी डालिए। तो देखिए हम डेट डालें, मैंने आपको बता दें क्या डालना, डेट डालना। उसके बाद सैल्यूटेशन बनाना कि आप उसके लगते क्या हैं, व्हाट सैल्यूटेशन डालना है कि आप उसके लगते क्या हैं। तो आई होप दिस लेटर फाइंड इन योर बेस्ट हेल्थ, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म अबाउट द पोएट आई गॉट एज अ गिफ्ट ऑफ ऑन माई बर्थडे, इट इज अ कैट एंड यू नो हाउ मच आई लव द कैट। और इसकी ये आपकी कहानी होगी, आपने इसके लिए पूरा पर्पस नहीं डाला। अब जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई एम नॉट एडिंग माई लेटर आइदर, राइट मी बैक इन डिटेल। उसके बाद में रिप्लाई बाद में आपके, मतलब आप रिप्लाई करेंगे उसका, हम वेट करेंगे। जिसके बाद आप ना, इसके बाद आप अपना नाम डाल दीजिए। जैसे आप नाम में क्या डालेंगे, आप डालेंगे आपका प्यारा आपकी प्यारी, मतलब विथ लव योर अफेक्शनेटली और योर सिंसियरली योर फेथफुली ऋषभ शुक्ला। तो आप अपना नाम डाल देंगे जो कोई लेटर ले। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।